कटिहार नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला शीतला मंदिर के समीप बीते रात पुरानी रंजिश में एक युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां भागलपुर उसे रेफर कर दिया गया। भागलपुर में उसकी स्थिति को देखते हुए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस के द्वारा रात में कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 4 अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सरवन चौहान बताया जा रहा है कि सरवन चौहान के ऊपर हत्या का आरोप दर्ज, जिसके कारण वह जेल भी जा चुका था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसी के सभी रिश्तेदार मिलकर युवक को अकेला पाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा नगर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर 4 अभियुक्त, जिनमें विनोद सोनकर, सूरज सोनकर, दोनों पिता सियाराम सोनकर, राजेश सोनकर, राजा सोनकर, गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस कांड में कुल 12 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, लगभग जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 8 लोगों की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना पुलिस छापेमारी कर रही है। बीडी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से सुंदर कुमार की रिपोर्ट। आदमी वार्ड पार्षद द्वारा बताया गया कि एक आदमी जख्मी था, उसको इलाज के लिए भेजा गया है सदर अस्पताल। किसी से जख्मी हुआ था? अब हम नहीं देखे अभी कौन सी से। कितने लोग के अरेस्टिंग हुई है? हमें मुझे पता नहीं, अभी हम जस्ट अभी आए हैं। क्या हुआ था, क्या घटना की जानकारी मिली है? वार्ड पार्षद द्वारा बताया कि आपस में लड़ाई हुआ था। ना घटी तभी जो है खट्टी फैमिली है, यहाँ पर कौन सा राम खट्टी का जो है बेटा परिवार पूरा जो है सरवन चौहान यहाँ बैठा हुआ था। ये लोग उधर से आया है, हम उधर थे, ठीक है ना, आया है, मारा है, मारा इस तरह से कि आप देख ही रहे। अभी हम लोग उसको मेडिकल कॉलेज भेजे हैं, उसके बाद उसका बेटा लोग पकड़ा है, सबको भेजे अभी थाना। सरवन साहब पहले से भी आप वांटेड है? जो भी हो आपराधिक छवि वांटेड हो, कुछ भी हो, उसके लिए तो पुलिस है, प्रशासन है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस है। किसी को लोकतंत्र में किसी को थोड़ी होती पब्लिक जो है या लोग जो है किसी को मार दे, ऐसा नहीं। कितना गोली मारी गई है? गोली ने मारा गया, हम तो देखे, हमको लग रहा है उसको रड से ईटा से मारा गया। कहाँ भेजा गया उनको? अभी मेडिकल को, थाना को सूचना दे दिया गया। हाँ, थाना पुलिस फोर्स के सामने उसको भेजा गया। एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया है, क्या पूरा मामला है? कल रात्रि में एक सरवन चौहान जो पूर्व के अपराधी रहे हैं, तो उनको उनके ही जो ड्राइवर टोला संग्राम चौक है उस पर जो पहले से दुश्मनी थी, वही लोग उनको बुरी तरह घायल किया और इनको काफ़ी मतलब स्थिति यह है जो बचना मुश्किल है, तो उनको ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया है भागलपुर, और भागलपुर से सिलीगुड़ी रेफर है। स्थिति नाजुक है और बचने की चांस कम है। इस संबंध में हमारे यहाँ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें नामजद 4 अभियुक्त विनोद, राजेश, सूरज और राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, और कुछ वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग से करें। सर किस चीज़ से मारा गया? समय वही ईटा उटा से कुछ कुछ करके मारा गया, मतलब देखने से ऐसा ही लगता है इनका कम्प्लीटली जान मारने की इनका नियत था। सर कब मतलब कब से आपसे रंजित चल रही है? इन लोगों को पूर्व से ही रंजित चल रहा है। जो लोग मुदाला हैं उनके परिवार की ही हत्या उन लोगों के द्वारा सरवन चौहान द्वारा कर दिया गया था, जिसमें सरवन चौहान काफ़ी दिन जेल में भी रहा था, तो वही पुरानी रंजिश के तहत इसकी भी हत्या का प्रयास किया गया, और जो स्थिति है उसमें बचने का चांस कम लग रहा है। पुलिस छापेमारी कर रही है? हाँ, 4 हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, और बाकी जो शेष है उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं।